शारदीय नवरात्र का आरंभ इस बार 15 अक्टूबर रविवार से हो रहा है। मूल में बसे प्रकृति और पुरुष के प्रतीक आद्य शक्ति माँ की आराधना है। अभिजीत मुहूर्त में कलश की स्थापना दोपहर में 11:38 से 12:26 के मध्य में वो पट खुलने का विधान होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, आपके साथ मैं हूं उसका। दर्शकों, 15 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और इस दिन का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। कहते हैं कि जो दुर्गा पूजा है वो कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जानी मानी आचार्य गोकुलेश शास्त्री जी। इनसे हम नवरात्रि से जुड़े कुछ खास बातचीत करेंगे और तमाम जानकारी भी लेंगे। तो गोकुलेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे, जय माता दी। सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि इस 9 दिन के नवरात्रि में ये जितने भी भक्त हैं उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस बारे में बताएं। राधे राधे, जय माता दी। शारदीय नवरात्र का आरंभ इस बार 15 अक्टूबर रविवार से हो रहा है। आश्विन शुक्ल पक्ष मूल रूप से शारदीय नवरात्र के लिए प्रसिद्ध है और मूल में बसे प्रकृति और पुरुष के प्रतीक आद्य शक्ति माँ की आराधना है। इसके लिए शारदीय नवरात्र हम सब प्रतिपदा तिथि को अपने घर घर में कलश की स्थापना करते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, ब्राह्मणों से करवाते हैं। इस बार प्रतिपदा तिथि में मुहूर्त का अभाव है क्योंकि चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग सायन काल तक है, तो अभिजीत मुहूर्त में कलश की स्थापना दोपहर में 11:38 से 12:26 के मध्य में होगा। जी, और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो हमारे भक्त हैं वो ये चीज़ ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या हम माँ दुर्गा की मूर्ति को घर में रख सकते हैं। माँ दुर्गा की बड़ी प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों में जो इसके लिए विधान बताया गया है वो अंगुष्ट मात्र, या यूं कहें कि 3 से 4 इंच, 4.5 इंच तक की प्रतिमा का आप पूजन घर में कर सकते हैं। जी, उससे बड़ी प्रतिमा का पूजन घर में नहीं करना चाहिए। यदि बड़ी प्रतिमा का पूजन करना हो तो बाहर पंडाल बना करके उसमें कर लीजिए। जी, और जब हम नवरात्रि में पूजा करते हैं तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हम लोग नवरात्रि में पूजा हमें घी से करना चाहिए, किस किस्म के तेल से करना चाहिए, इस बारे में, इस विषय में हमें बताएं। पूजन में घृत का दीपक अवश्य जलना चाहिए और साथ में तिल तेल का दीपक अवश्य जलना चाहिए। जी, तिल तेल और घृत दोनों का दीपक, और नवरात्र में तिल तेल का दीपक खास करके लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अवश्य जलाना चाहिए और घृत का दीपक तो पूजा में विधि विहित है, वो जलेगा ही, और दीपक का मुख पूर्वाभिमुख होगा, पूरब ही रहेगा, और इस तरह से माँ की सेवा करें 9 दिन तक व्रत में रहकर, तो सभी के घरों में धन धान्य संतति आदि की प्राप्ति होगी और उनके संसार बड़े सुखपूर्वक चले। जी, और नवरात्रि की पूजा में हम लोग को क्या क्या प्रसाद चढ़ाना चाहिए, अलग अलग दिन चढ़ाए जाते हैं, इस बारे में कुछ? हाँ, माँ के लिए प्रसाद प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन है। उस दिन गाय के घी से बने हुए मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। जी, इसके लगाने से संकट का निवारण होता है। द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी देवी का पूजन है, इस दिन पंचामृत का भोग लगाना चाहिए और इसके लगाने से आयु की वृद्धि होती है। तीसरे दिन चंद्रघंटा माँ का पूजन है, इस दिन दूध से बनी वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए और इसे लगाने से कष्ट का निवारण होता है।
चतुर्थ दिन कुष्मांडा देवी का पूजन है, उस दिन मालपुए का भोग लगाएं, उससे बुद्धि में वृद्धि होती है भक्तों की। पांचवें दिन माँ स्कंद माता का पूजन है नवरात्रि में, इस दिन केले का प्रसाद लगाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, और इस दिन केले के प्रसाद लगाने से स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। षष्ठम दिन कात्यायनी देवी का पूजन है, इस दिन शहद और मीठे पान का भोग लगाना चाहिए, ऐसा करने से आयु की वृद्धि होती है। सप्तम दिवस कालरात्रि माँ का पूजन है, और इस दिन गुड़ से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए, ऐसा लगाने से विजय श्री की प्राप्ति होती है। और अष्टम दिन महागौरी माँ की पूजन है, इस दिन नारियल का भोग लगाना चाहिए, और ऐसा करने से धन लाभ और संतान की लाभ होते हैं। नवम दिवस सिद्धिदात्री माँ का पूजन है, और इस दिन चना, खीर, पूड़ी, हलवा आदि का भोग लगाना चाहिए, इससे सुख समृद्धि का समृद्धि की वृद्धि होती है। इस प्रकार नौ दिवस में अलग अलग माँ का भोग लगावें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जी पंडित जी, ये तो बात हो गई भोग की, अगर हम बात करें दिया की, तो पूजा में जो दिया का मुंह है वो किधर से होना चाहिए, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि चौमुखी जो दिया होती है वो हमें कब जलाना होता है। नवरात्रि में दीपक का मुख पूर्वाभिमुख ही रखना चाहिए, और प्रायः लोग अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं, जो नौ दिवस तक पर्यंत वो अखंड रूप से प्रज्वलित होते रहता है, या नहीं तो पूजन के समय भी दीप जला सकते हैं। चौमुखी दीपक आप जला सकते हैं, लेकिन उसकी विशेष आवश्यकता नहीं है, एक मुख का दीपक भी जलाएं, निरंतर जलते रहें तो पर्याप्त है। जी, और जैसा कि हम बात नवरात्रि की कर रहे हैं, तो सभी को इंतजार रहता है नवरात्रि में पट खुलने का, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार पट कब खुल रहा है और समय क्या है, मुहूर्त क्या है पट खुलने का। सप्तमी तिथि 21 तारीख को है, 21 अक्टूबर को है जी। और उसी दिन महानिशा पूजा भी है जी। क्योंकि सप्तमी उपरांत अष्टमी रात्रि में 11:00 के बाद आने वाले हैं, तो महानिशा पूजा भी उसी दिन हो जाएगा और पट उसी दिन खुलेंगे जी। 12:20-23 के मध्य में वो पट खुलने का विधान होगा जी। और उसके बाद अष्टमी महानिशा पूजन भी हो जाएगा जी। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये हमें तमाम जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे। और अष्टमी का व्रत जो करेंगे जी, जी, जो दिन भर उपवास करती हैं, महाअष्टमी व्रत 22 तारीख को होगा, 22 अक्टूबर को रविवार को यह अष्टमी का व्रत होगा, और महानवमी हम लोग 23 अक्टूबर को मनाएंगे, उसी दिन में 3:10 पर्यंत हवनादि कर्म होंगे, हवन आदि करेंगे लोग, और इसके बाद दशमी माह प्रवेश कर रहा है और श्रवण नक्षत्र भी दिन में है, तो महादशमी विजयादशमी का भी पर्व उसी दिन लोग मनाएंगे जी। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे जो भक्त हैं उनके लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माँ सभी का कल्याण करें, और सभी लोग इस नवरात्र में माँ का अर्चन करके, पूजन करके अपने धन धान्य पुत्र पौत्र आदि का वृद्धि करें, सभी माँ की सेवा में लगें, यही सभी भक्तों से आग्रह है। जय माता दी। तो दर्शकों, आशा करते हैं कि जो नवरात्रि से जुड़े जितनी भी तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।